يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك نستنصر على أنفسنا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت، مشکل الفاظ کے معنی، لفظی و محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر آج انشاءاللہ سیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. جی عزیز طلبہ، اب اس آیت مبارکہ کے مشکل الفاظ کے معانی سیکھتے ہیں. مہاجراتن، ہجرت کرنے والی ہیں. فامتحنوہن، تو تم ان کی آزمائش کر لو. علمتموہن، تم انہیں جان لو. لا ترجعوہن، تم انہیں واپس نہ کرو. حلن، حلال. آتوہم، تم انہیں دے دو. لا تمسکو، تم ان کی آزمائش کر لو. لا جناح، کوئی گناہ نہیں. عصامی، عزت و ناموس. الکوافری، کافر عورتیں. جی عزیز طلبہ، اب اس آیت مبارکہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا پہلا جملہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، مومنو، اذا، جب، جاءکم، تمہارے پاس آئیں، المؤمنات، ایمان والیاں، مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والی، ف، پس، امتحنوہن، تم ان کی آزمائش کر لو، تم ان کا امتحان لے لو، کی جانچ پڑتال کر لو. اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. بی ایمانہن، ان کے ایمان کو. اس جملے کے مختصر تفسیر. معاہدہ حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی، بظاہر دونوں ہی شامل تھے،
चुनाचे बाद में बाज़ औरतें मक्का से हिजरत करके मुसलमानों के पास चली गईं, तो कुफ्फार ने उनकी वापसी का मुतालबा किया, जिस पर अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई और ये हुक्म दिया। इम्तिहान लेने का मतलब है इस अम्र की तहकीक करो कि हिजरत करके आने वाली औरत जो ईमान का इजहार कर रही है, अपने काफिर खाविंद से नाराज़ होकर या किसी मुसलमान के इश्क में या किसी और गर्ज से तो नहीं आई, या सिर्फ यहाँ पनाह लेने की खातिर ईमान का दावा कर रही है। यानी तुम अपनी तहकीक से इस नतीजे पर पहुँचो और तुम्हें गुमान गालिब हासिल हो जाए कि ये वाकई मोमिना है। इस जुमले का बामुहावरा मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। अगला जुमला, फ़इन आलिमतुमूहुन्ना, फ़बस इन अगर आलिमतुमूहुन्ना, तुम जान लो उनके मुतालिक, यानी उन औरतों के मुतालिक तुम्हें मालूम हो जाए, मोमिनात मोमिन हैं, मोमिन औरतें हैं, फला पस न तरजिउहुन्ना, लौटाओ उनको, उन्हें वापस न करो, इन औरतों को वापस न करो, इला की तरफ, अलकुफ़ार कुफ़ार कुफ़ार की तरफ उन्हें न लौटाओ, ला हुन्ना ये नहीं है हिलुन हलाल लहुम उनके लिए, वला हुम और न वो या हिलून हलाल हैं लहुन्ना इन औरतों के लिए। यानी मोमिन औरत किसी काफिर की निकाह में नहीं रह सकती। मर्द औरत पहले काफिर थे, फिर अगर औरत मोमिन हो जाए, ईमान वाली हो जाए, ईमान ले आए, तो उसका निकाह खुद बहुत काफिर मर्द से ख़त्म हो जाएगा, उसका उस काफिर मर्द के साथ रहना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने ये क्या बात सिखाई, इसके मुतालिक मुख्तसर सी तफसीर, ये उन्हें उनके काफिर खामिदों के पास वापस न करने की इल्लत है कि अब कोई मोमिन औरत किसी काफिर के लिए हलाल नहीं, जैसा कि इब्तिदाए इस्लाम में जायज़ था। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबुल आस इब्ने रबी के साथ हुआ था, जबकि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन इस आयत ने आइंदा के लिए ऐसा करने से मना कर दिया, इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि वो एक दूसरे के लिए हलाल नहीं, इसलिए उन्हें काफिरों के पास मत लौटाओ। हाँ, अगर शौहर भी मुसलमान हो जाए तो फिर उनका निकाह बरकरार रह सकता है, चाहे खामिद औरत के बाद हिजरत करके आए। इस जुमले का बामुहावरा तो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो इनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो, कि न ये उनको हलाल हैं और न वो इनको जायज़। अज़ीज़ तलबा, अपनी दरसी किताब में इसका तर्जुमा ठीक कर लें, जहाँ पर यह तर्जुमा लिखा हुआ है वहाँ पर एक छोटी सी गलती है और उसको सही कर लें। इन और उनका फ़र्क समझ लीजिएगा, आपकी दरसी किताब में लिखा हुआ है ना ये इनको हलाल है और ना वो उनको जायज़, इसमें बिल्कुल ही उलट बात हो जाती है। सही क्या होगा, ना ये उनको हलाल है और ना वो इनको जायज़। जो उनको जायज़ लिखा हुआ है वहाँ आपने इन यानी पेश की बजाय ज़ेर डाल लेनी है। तो सही तर्जमा क्या है, ना ये उनको हलाल हैं और ना वो इनको जायज़। अगला जुमला, वातुहुम और उन्हें दे दो, मा अनफकू जो कुछ उन्होंने खर्च किया, वला जुनाह और गुनाह नहीं, अलैकुम तुम्हें कोई गुनाह नहीं, अन तनकिहुहुन्ना अन के तनकिहुहुन्ना तुम इन औरतों से निकाह कर लो, इज़ा जब आतैतुमूहुन्ना तुम उन्हें दे दो उनका उजूरहुन्ना हक महर, महर देकर तुम उनसे निकाह कर सकते हो। इसके मुख्तसर तफसीर,
यानी इन काफिर खाविंदों ने इनको जो महर अदा किया है वो तुम उन्हें अदा कर दो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ये औरतें जो ईमान की खातिर अपने काफिर खाविंदों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम उनसे निकाह कर सकते हो बशर्ते कि उनका हक महर तुम अदा करो, तहम यह निकाह मसनून तरीके से ही होगा। इस जुमले का बामुहावरा और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं है कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो। वला तुम सिकू बे ऐसा मिल कवाफिर, वला तुम सिकू और ना पकड़ो ना रखो ऐसा मिल कवा ऐसम ऐसमत की जमा ऐसम ने इज्जत और नामूस मुराद निकाह अल कवाफिर काफिर औरतें, और तुम काफिर औरतों को अपने निकाह में न रखो। वस अलू और मांग लो मा अनफक तुम जो कुछ तुमने उन्हें खर्च किया उन पर खर्च किया, यानी वो औरतें जो काफिर हैं और उन्हें तुमने छोड़ दिया और वो काफिरों के पास वापस चली जाएं, तो उन पर जो तुमने हक महर दिया हुआ है उनसे मांग लो। वल यस अलू मा अनफकू और वो मांग लें जो कुछ उन्होंने खर्च किया, यानी मोमिन औरतें जो काफिरों को छोड़कर ईमान वालों के पास आ जाएं, तो उनके काफिर खाविंद हक महर मांग लें। इस जुमले की मुख्तसर ऐसामी इस्मत उनकी जमा है, यहाँ इससे मुराद इस्मत आकदे निकाह है। मतलब ये कि अगर खाविंद मुसलमान हो जाए और बीवी बदस्तूर काफिर और मुशरिक रहे तो ऐसी मुशरिक औरत को अपने निकाह में रखना जायज़ नहीं है, उसे फौरन तलाक देकर अपने से अलहदा कर दिया जाए। चुनाचे इस हुक्म के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दो मुशरिक बीवियों को और हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वसलूमान फ़क्तुम यानी उन औरतों पर जो कुफर पर बरकरार रहने की वजह से काफिरों के पास चली गई हैं उनसे तुम मांग लो। वलियस अलूमान फ़कू यानी उन औरतों पर जो मुसलमान होकर हिजरत करके मदीने आ गई हैं उनसे वो मांग लें, यानी दोनों एक दूसरे को हक महर अदा करें बल्कि मांग कर लें। अल्लाह का हुक्म है, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि यह हुक्म उस दौर के साथ ही ख़ास था, इस पर मुसलमानों का इजमा है। इसकी वजह वो मुआहदा है जो उस वक्त फरीकैन के दरमियान था। इस किस्म के मुआहदे की सूरत में आइंदा भी इस पर अमल करना ज़रूरी होगा बसूरत दीगर नहीं। इस जुमले का बामुहावरा तर्जमा और काफिर औरतों की नामूस को कब्ज़े में न रखो यानी कुफार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। अगला जुमला ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ज़ालिकुम ये हुक्मुल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म है, यहकुमु वो फैसला करता है हुक्म देता है, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला हकीमुन हिकमत वाला है। इस जुमले का मुख्तसर मतलब मुख्तसर तफसीर, यानी काफिरों के साथ मुआमलात में भी इस्लाम किस तरह अदल व इंसाफ का हुक्म देता है और अपने मुखालिफीन और दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करता है कि उन और काफिर औरतों के हक महर तुम उनसे ले लो, और मोमिन औरतें जो कुफार को छोड़कर आई हैं उनके हक महर उन्हें वापस कर दो। यानी हर तरह के मामलात में अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का हुक्म देता है, अदल व इंसाफ ही की बात की जाती है। इस जुमले का बामुहावरा तर्जमा ये अल्लाह ताला का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है।
जी अज़ीज़ तलबा, इस आयत मुबारका के मुश्किल अल्फाज के मानी लफ्ज़ी उबा मुहावरा तर्जमा और मुख्तसर तफसीर के बाद इसके मुतालिक इस आयत के मुतालिक जो मुझकी सवालात हैं उनको देखते हैं। सवाल नंबर दो, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका पहला हिस्सा, अल्लाह ताला ने हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या तलकीन फरमाई है। दूसरा हिस्सा, वल्लाहु अलीमुन हकीम का तर्जमा लिखिए। तीसरा हिस्सा, मानी लिखिए। ऐसामी हिल्लुन, आइए इन सवालों के जवाबात लिखने का तरीका सीखते हैं, कैसे इन सवालों को आप इम्तहानी पर्चा में लिखेंगे। सवाल नंबर दो, मुख्तसर जवाबात। पहला हिस्सा, पहले हिस्से की हेडिंग, मोमिन औरतों के मुतालिक अहले ईमान को तलकीन। हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के मुतालिक अहले ईमान को तलकीन करते हुए अल्लाह ताला का इरशाद है, मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको जायज़, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों के मेहर देकर इनसे निकाह कर लो। जवाब मुकम्मल करने के बाद सेपरेटर लाइन यानी एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं। सवाल नंबर दो का दूसरा, तर्जमा, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। तीसरा हिस्सा, अल्फाज के मानी, ऐसामी इज्जत व नामूस, हिल्लुन हलाल। आज की आयत मुबारक यानी आयत नंबर 10 का जो हमने मुताला किया उसमें मुख्तलिफ तफासीर को पढ़ा गया, जिन तफासीर से इस्तेफादा किया गया के नाम तफसीर कुर्तुबी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू बकर अंदलुसी कुर्तुबी, तफसीर इब्ने कसीर हाफिज़ इमादुद्दीन अबुल वफा इब्ने कसीर, तफसीर मजरी काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, और मारिफुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।